हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो एलईडी लाइट होती है, जो नॉर्मल गाड़ियों में एलईडी लाइट ये वाली लगती है इंडिकेटर वाली, ये किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये अगर हम लगा लेते हैं तो नॉर्मल बजर से जो आपका फ्लैशर होता है, ये नॉर्मल फ्लैशर से आपका ये इंडिकेटर लाइट नहीं जलती है, ठीक है दोस्तों। ये नॉर्मल फ्रीज से नहीं जलती है, जलेगी तो अपर डिपर नहीं करेगी। तो दोस्तों इसका क्या सोल्यूशन है ये आज की वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये लगा करके, ये फ्लैशर हम लगा करके दिखा दे रहे हैं इसमें, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसमें हम लगा दे रहे हैं, और ये मैंने एलईडी लाइट लगा रखी है इसमें, हम लगा देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने ये लगा दिया है, अब हम इसको चालू करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये लोड नहीं ले रहा, और इसको स्टार्ट करके भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये लोड नहीं ले रहा है, बिल्कुल नहीं जल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका भी ये रिले काम नहीं करता और गर्म हो जाता है, और ये एलईडी इस तरीके की एलईडी लगाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपकी वीडियो बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपके भी गाड़ी में ये दिक्कत है तो ये रिले हटा दीजिएगा, ये रिले गाड़ियों में काम नहीं करता है, ये जो एलईडी लगाते हैं इनमें काम नहीं करता है। तो हमको ये वाला रिले लाना पड़ेगा आपको, ये लोकल मार्केट में मुझे 330 रुपये का मिला है, और जहाँ से ये मैंने इंडिकेटर ख़रीदे हैं वहीं से ये रिले मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको कनेक्शन किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इसका जो कनेक्शन होता है, काली वाली तार ये बैटरी वाली में लगा देना है, और ये जो लाल वाली तार है वो इसमें ये वाले में नहीं लगाना है। ये लाल वाली तार जो है ये मैंने निकाल करके, ये देखिए दोस्तों यहाँ से निकाल करके ये जो है इसमें लगाई हुई है, लॉक वाले तार में, लॉक का जो काला और लाल तार है इसमें मैंने लगा रखी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसमें कनेक्शन और भी कनेक्शन दिखाता हूँ, और बात तो हो गई है ये काले और लाल तार की, अब ये बसते पीले वाले तार, ठीक है दोस्तों। तो पीले वाले तार किस में लगाना है, तो पीले वाले तार हमको इसमें लगाना है जिसमें हमारा फ्लैशर लगा था, तो इसमें हम लगा करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों एक तार आपको इसमें लगा लेनी है, एक तार इसमें लगा लेनी है, कोई काला सफ़ेद कुछ नहीं है, खाली आपको एक एक तार इनमें लगा देनी है। अब मैं आपको इंडिकेटर चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये देखिए इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है दोस्तों, दोनों इंडिकेटर जल रहा है, और जो हमारा फ्लैशर है ये भी गर्म नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, इसमें एक खासियत है, ये जब आप रिले लगा देंगे, जो काली और ये लाल और काली तारे आप लगा देंगे, तो आपकी ये लाइट जल जाएगी, लाइट जल जाएगी तो इसका मतलब आपका रिले वर्क करना काम करना चालू हो गया, ठीक है दोस्तों। ये वाटर प्रूफ है, यहाँ पानी आने जाने की भी कोई संभावना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप बेचक आप लगा सकते हैं, और बैटरी के नीचे इस तरीके से रख सकते हैं, और इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों ये जितनी बार ऑफ करके ऑन करेंगे उतनी बार ये अपना ब्लिंकर जो है चेंज करेगा। जैसे हम ऑफ करके ऑन करते हैं, तो देखिए दोस्तों ये कैसे अब लेट में होने लगा, अब देखिए दोस्तों ये जल्दी जल्दी होने लगा, अब देखिए दोस्तों ये बिल्कुल फास्ट होने लगा। फिर ऑफ किया और फिर ऑन किया, ये देखिए दोस्तों अब भी फिर चेंज हो गया। तो दोस्तों इसमें 25 तरीके की लाइट जलती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके पास आप भी अगर एलईडी जो है आप इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, तो आप ये नॉर्मल जो रिले होता है ये नॉर्मल रिले ना लगाइएगा, ये एलईडी लाइट के साथ जो है ये वाला रिले लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। लोकल मार्केट में 230 रुपए का मिल जाएगा, और ये जो एलईडी लाइट होती है ये भी वर्क अच्छे से करेगी, और ये गर्म भी नहीं होगा और बढ़िया स्मूथनेस चलेगा, ठीक है दोस्तों। इससे आपकी वायरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। वायरिंग किस तरीके से करना है, एक बैटरी में लगा देना काला वाला, लाल वाला आगे तार में लगा देना, काली और लाल तार है ताले वाले की, और ये दोनों तार जो है ये फ्लैशर वाली जगह पे लगा देना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।